राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 13। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 13। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा कि वेदी हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशियाह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा था, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उससे अपनी ओर खींच न सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर जो का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। सो उसके पिता ने उनसे पूछा, वह किस मार्ग से चला गया? और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और उस पर चढ़ गया और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे संग घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा व पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली कि वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी हूं और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले और वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा, अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा में से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था कि उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना उसी में तूने लौटकर रोटी खाई
और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब यह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक लोथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है उस नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उन्होंने काठी बांधी तब उसने जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर पड़ी हुई और गधे और सिंह दोनों को लोथ के पास खड़े हुए पाया और यह भी कि सिंह ने न तो लोथ को खाया और न गधे को फाड़ा है। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन की लोथ उठाकर गधे पर लाद दी और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले गया और उसने उसकी लोथ को अपने कब्रिस्तान में रखा और लोग हाय मेरे भाई यह कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास धर देना, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शोमरोन के नगरों के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है वह निश्चय पूरा हो जाएगा। इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था और यह बात यारोबाम के घराने का पाप ठहरी। इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नाश किया गया। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 13। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 13। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा कि वेदी हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशियाह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि यह वचन